दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर मनीषा रानी ने पूजा भट्ट को लेकर एक ऐसी बात कही है जो कि आपका भी दिल जीत लेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फुकरा इंसान मनीषा रानी के साथ बैठे हुए थे। इस दौरान मनीषा रानी बड़े ही प्यार से फुकरा इंसान की गोद में बैठी हुई थी, जो कि सीन देखने में काफी प्यारा लग रहा था। दोनों दोस्त आपस में पूजा भट्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान मनीषा रानी बता रही थी कि आज तूने पूजा भट्ट को जो जवाब दिया ना, वो वाकई मेरे दिल को इम्प्रेस कर गया, क्योंकि तूने ऐसे बेखौफ अंदाज से बोल दिया, लेकिन हम ये चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं पूजा मैम के आगे, क्योंकि तू तो ना मैच्योर लगता है पूजा भट्ट को बोलता हुआ, लेकिन हम बोलेंगे ना तो पूजा भट्ट वो बोल देगी कि छोटी लड़की बड़ी बात कर रही है, यानी कि छोटे मुंह बड़ी बात करने लग गई है, लेकिन तू बोलता है तब उनको लगता है कि ये मैच्योर है, ये समझदार है, ये सारी बातें अच्छी बोलता है, तो तेरी बात का वो बुरा नहीं मानती है, मेरी बात का बुरा मान जाती है। इतने में एल्विस जो कि वहीं पर बर्तन धो रहे थे, वो बोले कि मनीषा तो डरती है पूजा मैम से बोलने से, पीवी से फटती है इसकी। जिसके बाद दोस्तों मनीषा ने कहा कि नहीं यार, हमारी फटती नहीं है। इतने में मनीषा के लिए स्टैंड लेते हुए फुकरा इंसान ने एल्विस को कहा कि देख भाई, इसकी फटती नहीं है, इसके जितना तो बल्कि घर के अंदर किसी भी कंटेस्टेंट ने पूजा भट्ट को नहीं सुनाया होगा, ये इतना सुना चुकी है पीबी को। ये सुनकर यहाँ पर एल्विस को भी काफी हैरानी होती है। वही दोस्तों यहाँ पर एल्विस कहते हैं कि डर तो फिर भी लगता ही होगा ना पूजा के सामने बोलने से, लेकिन यहाँ पर मनीषा ने जवाब दिया कि हम डरते नहीं है पूजा से, हम क्या रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमसे बड़ी रह गई ना, इसलिए हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करना जानते हैं हम, उसकी तरह नहीं है। और ये सुनकर कहीं ना कहीं फुकरा इंसान भी मनीषा की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर दोस्तों मनीषा रानी की काफी जमकर तारीफ हो रही है और मनीषा ने तो वाकई आज सभी का दिल जीत लिया। फिलहाल कैसा लगा ये अंदाज आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।